नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। बक्सवाहा में एक खेत में नरकंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि नरकंकाल एक शख्स को उस दौरान देखा जब वो खेत पर काम कर रहा था। ये खेत पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष का है। इस मामले में उस शख्स की जो पहचान हुई है, उसके परिजनों का ये कहना है कि जब उसके ये परिजन 15 दिन पहले यहाँ से गुमशुदा हो गए थे, तब वे लोग थाने पहुँचे और रिपोर्ट लिखानी चाही, लेकिन थाना प्रभारी ने रिपोर्ट नहीं लिखी और झिड़क कर भगा दिया। ये एक संगीन आरोप पुलिस के ऊपर लगाया गया है। बक्सवाहा मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूर जामुन झीरी गांव स्थित वीरगढ़ हार में बक्सवाहा की पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष के खेत में नरकंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान बगरोदा निवासी नथु लोधी 55 वर्षीय के रूप में हुई है। खेत के मुखिया पवन गंधर्व द्वारा बताया गया है कि जब वो अपने खेत की कटाई कर रहे थे, तभी नरकंकाल खेत में पड़ा दिखाई दिया। इसके बाद थाना प्रभारी को सूचना दी। थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और नरकंकाल की बाजू में पड़े कपड़े और जैकेट की तलाशी लेने में जैकेट में कियोस्क, बैंक की पासबुक, खेत की बंदी, समग्र आईडी और 2590 रुपए भी बरामद हुए। इस मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। इसके अलावा पुलिस पर रिपोर्ट न लिखने जैसे गंभीर आरोप लगाए। मृतक के पुत्र का कहना है कि परिवार द्वारा 15 दिन से गायब मेरे पिता को 10 तारीख में रिपोर्ट लिखवाने जब गए तो एसआई त्रिवेदी द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की गई और धक्याकर भगा दिया गया। परिजनों ने घर वापस लौटकर सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई और हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराने के बाद परिजनों को बुलाकर सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायत के निराकरण करने के लिए पुलिस द्वारा परिजनों को धमकाया भी गया और पुलिस द्वारा परिजनों से अभद्रता का व्यवहार किया गया। इस मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस का कहना है कि जांच होने के बाद जो भी पाया जाएगा, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक सवालिया निशान ये भी है कि जब परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करानी चाही थी और खेत के पास एक साइकिल होने की बात भी कही थी, उसको भी पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया और अब एक नरकंकाल मिला है। मामला है कि मेरे पिताजी का नाम जगह किसी ने अपने नाम करा लिए है, तो निकालने के लिए गए थे, 31.5 जगह निकली है, तो पटवारी के पास गए थे तो दो बार ऐसे उन लोगों ने छेंका है मानने के लिए और ऐसा होता रहा है। उसके बाद जब मेरी मम्मी यहाँ से साइकिल लेके जा रही थी तो डांग में तीन आदमी बैठे थे जिसका नाम झारू है, जो दो को नहीं हम पहचानते हैं। तो दो आदमी बोल रहे थे झारू से कि मैं उसको रोका है और वो हमको एड़ा है, तो हमने उसको दो लट्ठ मारी। इसके डर से मेरी मम्मी इतना सुना, इसके डर से मेरी मम्मी घर को चली गई क्योंकि ये देख लेंगे तो मेरे को भी मारेंगे। उसके बाद मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखाने के गए तो ये लिख दिया, तो उन लोगों ने रिपोर्ट नहीं ली तो बोलने लगे, एक बयान ले लिया, बोलने लगे, मैंने बोला उसके पावती दो, तो बोले कि बयान ले लिया, पावती नहीं देंगे। तो उसके बाद फिर मैं घर भाग आई तो फिर मैंने 181 कॉल किया, तो फिर थाने भाई कंप्लेन गई वहाँ से, तो पुलिस वालों ने मेरे भाई फ़ोन किया, तो मैंने बोले कहाँ हरी फोन बोला मनी साहब हरी सिंह बोल रहा हूँ, बोले कहाँ से बोल रहा हूँ, मैं बगरदा से बोल रहा हूँ, बोले अभी कहाँ हो, मैंने बोला साहब मंगरा में हूँ, कह लो आपने क्या समस्या आपकी जो अपने इस साइड पर फ़ोन लगाया है, तो मैंने बोला साहब मेरा डाडी का मंगल 4 तारीख से लापता है, इसलिए तो बोले गलत शब्द से बोलने लगे कि उठाओ कहाँ है इसको उठा के लाओ यहाँ पर, वैसे बात हुए मैं बोले कि तुम थाने आओ, तो मैं थाने गया। नरकंकाल की पहचान हो गई है, नथू सिंह पिता फद्दू सिंह लोधी, उम्र 56 वर्ष, निवासी बगरोदा। इनकी गुमने की रिपोर्ट गुमिंसान क्रमांक 38/18 बक्सवाहा में 11/9 को दर्ज हुआ था, जिसकी जांच जारी थी। और चूँकि लाश 20-25 दिन पुरानी है, नरकंकाल के रूप में है, जो अभी तक वहाँ घटनास्थल पर देखा गया, उस कारण से मर्ग अभी कायम कर जांच में ले लिया है। वैज्ञानिक अधिकारी छतरपुर के न होने से दमोह से बुलाए गए हैं और उसके बाद नरकंकाल का CSC बक्सवाहा में परीक्षण के बाद PM रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। यदि मामला हत्या का होगा, हत्या का दर्ज किया जाएगा, यदि मामला आत्महत्या का होगा तो जांच में जो भी विषय आएगा
उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर दिनभर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। मारुति सुजुकी लेकर आए हैं मेगा रूरल कार्निवल दिनांक 28 और 29 सितंबर को, जहां होंगी मारुति सुजुकी के सभी मॉडल्स, साथ ही बेस्ट फाइनेंस ऑफर्स और आपकी पुरानी कार पर बेस्ट एक्सचेंज ऑफर्स भी। यही नहीं, यहां उपलब्ध होंगे मारुति सुजुकी पार्ट्स, फ्री सर्विस, फ्री चेकअप और तो और यहां होगी ढेर सारी मस्ती, ढेर सारा फन। बच्चों के लिए ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन, महिलाओं के लिए मेहंदी कॉम्पिटिशन और कल्चरल डांस भी। हर बुकिंग पर आप पाएंगे 73,100 तक के शानदार ऑफर्स। स्पॉट डिलीवरी पर 2 ग्राम गोल्ड कॉइन का एक्साइटिंग गिफ्ट। यहाँ आपके लिए है बुकिंग्स पर 5100 रुपए तक की मारुति सुजुकी एक्सेसरीज बिल्कुल फ्री और लकी ड्रॉ में गिफ्ट जीतने का मौका भी है यहाँ। तो आइए बुक कीजिए अपनी पसंदीदा मारुति सुजुकी कार। होटल रीजेंसी, झांसी रोड, छतरपुर।